look at people and I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself. दोस्तों, रिया की दावत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं गुलाब जामुन बनाने जा रही हूँ, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए ये सारी सामग्री लगेगी। ये है खोआ है 250 ग्राम है, और चीनी है आधी किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है, 550 ग्राम चीनी है, और ये मिल्क पाउडर है, और ये है मैदा, और ये थोड़ा सा छेना है जो अभी बनाया मैंने, और ये स्टफिंग के लिए है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं चाशनी बना रही हूँ, तो देखिए मैं चाशनी बनाती हूँ। चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं चीनी ले रही हूँ। अब मैंने चीनी जितना ली है उससे थोड़ा मतलब हाफ केजी से ज़्यादा है मेरा चीनी, हाफ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा है, 550 ग्राम है, तो मैं पानी भी वैसे ही डालूंगी। एक गिलास से मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। अब इसको मिक्स करना है। अब मैं अपनी चाशनी इसको बना रही हूँ। ये देखिए मेरा चाशनी बन रहा है। इसमें थोड़ा सा मैं नींबू का रस डाल दूंगी, ताकि ये चीनी का जितनी भी गंदगी होगी वो ऊपर निकल जाएगा और चीनी जमेगा भी नहीं। कभी 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 ऐसा होता है कि चाशनी जमने लगता है, तो वो नहीं जमेगा और चाशनी भी अच्छा बना रहेगा। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दूंगी। ये देखिए 1/2 टीस्पून है मेरा इलायची पाउडर, तो ये डाल दूंगी। आप अगर रोज़ का खुशबू वाला डालना, रोज़ का एसेंस डालना चाहते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं। मैं इलायची डाल रही हूँ, इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। जब तक मेरा चाशनी बन रहा है तब तक मैं खोए को बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मिला लेती हूँ, ताकि हमारा जो गुलाब जामुन बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा। बिल्कुल चिकना कर लेना है इसको, दानेदार है। ये घर का बना हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है। तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसमें बिल्कुल भी कोई दाना नहीं होना चाहिए खोया में, अच्छी तरीके से इसको मिलाना है। ये देखिए मेरा चाशनी भी हो गया है। ये एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बिल्कुल ऐसा चिपचिपा सा बनाना है, ज़्यादा तार वाला नहीं बनाना है, नहीं तो इसमें ये इसका रस नहीं अंदर तक जाएगा। इतना ही मेरे चाशनी बनानी है मुझे। तो अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। ये देखिए मैं अच्छी तरीके से मिला ली हूँ। अब इसमें मैं मैदा मिक्स कर रही हूँ। 3 टेबल स्पून मैदा है, इसको मैं इसमें मिक्स करूँगी। बिल्कुल सॉफ्ट सा, बहुत ही सॉफ्ट सा इसका डो बनाना है। अब मैं 3 टेबल स्पून मैं ये मिल्क पाउडर मिला रही हूँ इसमें, इससे भी इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, इसलिए इसको भी मैं मिला रही हूँ अच्छी तरीके से। ये मैंने जो छेना बनाया था इसको भी मिलाना है, तो इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसमें बहुत ही ज़्यादा लम्स होते हैं, दानेदार होते हैं, तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है, इसमें से तेल नहीं निकालना है, बिल्कुल तेल निकलने से पहले ही इसको मिक्स करना बंद कर देंगे। अब इसमें मिला देती हूँ इसको। जो हमारा ट्रेडिशनल बनता है गुलाब जामुन, ऐसे ही बनाया जाता है। मैं 1 टीस्पून और मिला रही हूँ इसमें मैदा, क्योंकि हमारा खोया है बहुत ही ज़्यादा था, इसमें थोड़ा सा और डाल दूंगी तो भी अच्छा बनेगा और ज़्यादा भी बन जाएगा। 1 चम्मच और मिल्क पाउडर,
बिल्कुल बढ़िया सा डो बना लेना है, एकदम चिकना सा। मैं गोल करके देख रही हूँ कि मेरा डो कितना चिकना बना है। थोड़ा और इसे मिलाना है, एक चम्मच और मैदा। ये बहुत ही थोड़ा सा, इसमें बेकिंग पाउडर है जो बेक करने के लिए यूज़ करते हैं, ये है। आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, मीठा सोडा भी, लेकिन बहुत थोड़ा सा वो डालना होता है। ये बेकिंग पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हो, लेकिन बेकिंग पाउडर बहुत ही कम क्वांटिटी में डालना है, वो ज़्यादा नहीं डाला जाता है। इसमें मैंने ले ली बेकिंग पाउडर थोड़ा सा, और इसमें अच्छे से अब इसको मिक्स करना है। देखिए कितना अच्छा बन रहा है ये टमाटर। ये देखिए बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया। मैंने 250 ग्राम खोया में 100 ग्राम मैदा यूज़ करा है और 50 ग्राम मिल्क पाउडर, और मैंने ये बना के तैयार कर लिया है। और देखिए मेरा चाशनी भी हो गया है, बहुत ही अच्छा बना है मेरा चाशनी। अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ अपने चाशनी को। ये मैंने स्टफिंग बनाया है ड्राई फ्रूट का, मैंने सारे ड्राई फ्रूट को कद्दूकस कर लिया है। बादाम है, पिस्ता है, काजू है, थोड़ा सा नारियल का बुरादा है, और ये चिरौंजी है, किशमिश है, और थोड़ा सा मैं इसमें मिला लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ स्टफिंग में ताकि इसका बाइंडिंग हो जाए। और ये पाउडर शुगर है, इसमें डाल देती हूँ। एक 1.5 टेबल स्पून मैंने ये डाला है पाउडर शुगर इसमें। थोड़ा सा मैं 1 पिंच कलर डालूँगी ताकि बीच में इसका कलर दिखे, बहुत सुंदर सा कलर दिखे, इसलिए मैं थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। ये सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ इस तरीके से। मेरा स्टफिंग भी तैयार हो गया बनके। अब मैं कढ़ाई चढ़ाती हूँ, अब इसमें मैं तेल गरम करूँगी। आप घी में भी बना सकते हो, लेकिन मैं तेल में बनाऊँगी। ये देखिए ऐसे गोल गोल बनाने हैं। पहले स्टफिंग डाल लेती हूँ इसमें ऐसे करके। देखिए मेरा तेल बहुत गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ। बिल्कुल स्लो आंच पे पकानी है इसको, ज़्यादा तेज नहीं करना है। ऐसे करते रहना है। हमारे गुलाब जामुन कितना बढ़िया से ये कलर आ रहा है इसमें। इसको मैं और इसको अच्छे से पकाऊंगी, इसको काला जामुन बना दूंगी मैं पका के। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर हो गया इसका। अब मैं इसको निकाल रही हूँ और चाशनी में डाल रही हूँ।
ये पतला वाला चाशनी है, इसमें मैं आधा घंटा तक ऐसे भिगो के रखूँगी, ऐसे ही आधा से एक घंटा तक, तब तक ये फूल जाएंगे, ऐसे बड़े बड़े और हो जाएंगे। उसके बाद मैं दिखाती हूँ और क्या करना है इसके साथ। ये हमारा गुलाब जामुन पूरा ही रस पी के बिल्कुल मोटा मोटा सा हो गया, मैं इसमें डाल रही हूँ, बहुत बड़ा बड़ा सा हो गया है। अभी मैं एक काट के भी दिखाऊंगी हमारा कैसा बना है। थोड़ा सा पिस्ता और मैं बादाम से गार्निशिंग कर रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया बना है, बन के तैयार हुआ है मेरा गुलाब जामुन। देखिए मैं काट के दिखा रही हूँ, देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है और कितना जूसी है, बिल्कुल बहुत ही इसमें रस भर के आ गए हैं। देखिए कितना ही बढ़िया लग रहा है।